हरियाणा में अगर स्कूलों की बात करें, स्कूल खुल चुके हैं, 9वीं से 12वीं की क्लासें शुरू हो चुकी है। हरियाणा में फिलहाल स्कूलों में कितनी संख्या है, क्या स्थिति है, बात करने के लिए खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। गुर्जर जी, पहले यही सवाल है, स्कूल खुल चुके हैं प्रदेश में, फिलहाल कितनी बच्चों की संख्या हो चुकी होगी, कितना डाटा आप लोगों के पास आया है? पहले दिन स्कूल खुले, काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चों में काफ़ी उत्साह था और 30% बच्चे हैं। पिछली बार हमने स्कूल खोले तो मेरा 7-8% बच्चे से हम आए थे, लेकिन अब की बार पहले दिन 30% बच्चे आए, क्योंकि बच्चों में भी उत्साह था और हमें बालकों में भी उत्साह था, संख्या बनाई और ऐसा ऐसा संख्या बढ़ती जाए। तैयारियाँ कितनी है शिक्षा विभाग की, चाहे बात करें, आप लोग दावा कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, सारे स्कूलों में सारी क्लासेज का सैनिटाइजर उपलब्ध है, तैयारियाँ कितनी है आपकी? उसके लिए हमने 13 करोड़ रुपए से भी स्कूलों को देखे, जो छोटे स्कूल हैं उनमें 2000 रुपये, जो बड़े स्कूलों में 10000 सैनिटाइज के लिए हमने दिए, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी हमने निश्चित किया कि 30 से 50 बच्चे किसी भी क्लास में नहीं, उन सब चीज़ों का पालन किया जा रहा है, चाहे मास्क की बात है, सैनिटाइज की बात है, टेम्परेचर चेक करने की बात है, जो भी नियम हैं वो पहले से नियम हैं, जैसे पिछली बार भी थे, पिछली बार भी उसी प्रकार से सारे नियम लागू किए हुए हैं। ये तो स्कूलों की बात होंगे, सवाल मैं आपसे किसानों का कर लेता हूँ, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर आजकल आप काफ़ी खुलकर बोलते हैं, क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो चुका है, किसान मोर्चों ने ऐलान किया कि 22 तारीख से वो संसद का घेराव करेंगे, आप इसे कैसे देखते हैं संसद घेराव को? देखिए, ये अपनी बात को कहने का शांतिपूर्वक तरीके से कहने का सब फायदा है, लेकिन जिस प्रकार से 26 जनवरी पर सारी व्यवस्था बनाई और जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब में व्यवस्था बनाई है वो अच्छा लक्षण नहीं है। कल हाँ, अपनी बात को आप शांतिपूर्वक तरीके से कह सकते हैं, लोगों को अपनी बात को समझा भी सकते हैं, अगर कानून में कोई खामी है तो आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से किसी तरीके की कोई खामी नहीं रहेगी, बकायदा जो लोग शामिल होंगे उनके आईडी कार्ड लिए जाएंगे, उनके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हर बार इसी प्रकार की बात 26 जनवरी को भी यही बात कही गई कि कुछ नहीं होगा। अभी आप हरियाणा में डिप्टी स्पीकर की बात देख लें, पंजाब में देख लें कितने घटना रहेगी, सारी जगह यही है, जब उसके बाद घटना घटती है कहते हैं हमारे कार्यकर्ता नहीं है, तो ये इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। आपके पास कोई तर्क है तो आप जनता के बीच में जाओ और अपनी बात को कहो और सरकार को भी मौका दो जवाब दो। अभी ये कैसा वो है, मतलब ऐतराज आपका, कि जिसमें आप प्रश्न तो करेंगे लेकिन उत्तर नहीं सुनते आप किसी का, जिसने कानून लागू किया उसका भी जवाब सुनो, आप अपना प्रश्न करो। आपने जनप्रतिनिधि किया, लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है, मनीष ग्रोवर के घटनाक्रम की बात करें, देवेंद्र भोली के घटनाक्रम की बात करें, या हाथी वाले विनोद भ्याना की बात करें, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ घटना होती है, फिर नौबत माफ़ी मांगने तक आ जाती है, इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है। देखिए, इस प्रकार से किसी भी आदमी पर आरोप कि आपने ये किया, कुछ भी आरोप लगा दो, जाके इतने लोग वहाँ बैठ दो, सारे को परेशान कर दो, ये कुछ अच्छा तरीका नहीं है, जो तरीका अपनाया जाएगा बिल्कुल गलत है। और मेरा मानना दोबारा आपसे ही, आपने बीच में बात मेरी काम की, मैं दोबारा फिर ये कहना चाहता हूँ, सर एक ही तरीका है, वो तरीका है कि आपको कहीं भी कानून में खामी नजर आती है तो मालिक जनता है, जनता के साथ गलत है, गलत आरोप है तो विधायक और विधायक खेत क्यों जताते हैं? नहीं, आपने देखे नहीं हालात क्या है वहाँ, और खेत कहाँ जीतता है, उसने ये कहा कि अगर आपको ऐसा वहम है तो मैं बेकार के इस प्रकार के विवाद में नहीं पड़ता, तो मैं उसने माफ़ी मांगने साथ जवाब दे दिया, उसने कहा कि माफ़ी नहीं मांगता, ना मैंने कोई गलती की, ना आपके पास कुछ इस प्रकार की, तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है जहाँ तक मैं भी इनको जानता हूँ, फिर उसे मनीष ग्रोवर जी को जानता हूँ, ऐसी अगर उन्हें मनीष ग्रोवर करेगा तो ये कोई इसमें कोई दम नहीं है। ये थे कंवरपाल गुर्जर साहब, कहीं ना कहीं स्कूलों को लेकर जो स्कूल शिक्षा विभाग है तैयारियां पूरी है, वहीं किसान नेताओं को एक बार फिर कंवरपाल गुर्जर साहब आ रहे हैं।